हम लोग आज सिलीगुड़ी से बहुत सारी संगठन जिसमें मानवाधिकार संगठन है, कल्चरल संगठन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग यहाँ पर डीएम के साथ मीट करने के लिए आया था। इसीलिए कि हम लोग देखा हुआ जाज से थोड़ा दिन पहले 23 अक्टूबर में लीला गुरुंग जो हिमालयन फॉरेस्ट विलेजर्स एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी है उसके घर पर पुलिस रेड किया। करीब 100 पुलिस लेके उसका गांव में गया। उसी टाइम लीला कुमार गुरुंग घर में नहीं था, उसको कोई फैमिली मेंबर भी नहीं था, तब भी उसके घर में घुसा, वहाँ का फोटो वो लोग उठाया, किसी को साथ में परमिशन नहीं लिया। ये 23 तारीख का घटना है। उसके बाद में 25 में फिर पुलिस पार्टी गया और वहाँ का गांव का जो फॉरेस्ट विलेजर्स है उसको फोर्स कर रहा था, लीला का बारे में पूछताछ किया और लीला कहाँ है वो बात पुलिस को बोलने का लिए प्रेशर भी किया। तो मेरा संगठन और सभी मिलकर हम लोग वहाँ पर फर्स्ट स्पॉट इन्वेस्टिगेशन भी किया और वहाँ का सारी ग्राम में एक टेरर सिचुएशन क्रिएट हुआ। तो एक आंदोलन का आदमी, राइट्स मूवमेंट का आदमी जो हिमालयन फॉरेस्ट विलेजर्स का जनरल सेक्रेटरी है बाय प्रोफेशन, जो एक स्कूल टीचर है, उसको विरोध में कोई एफआईआर अभी तक पुलिस का खाता में है बोल के हम लोग का जानकारी नहीं है, लेकिन उसके बाड़ी में पुलिस कोई वारंट छोड़कर जा रहा है, हमला कर रहा है। इसको विरोध करने में लिए हम लोग आज दार्जिलिंग डीएम के साथ मीट करने के लिए आया था, लेकिन डीएम दार्जिलिंग सॉरी डीएम कालिम्पोंग नहीं है, तो एडीएम साहब था, एडीएम के साथ बात हुआ। हम लोग बोला जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जैसा काम कर रहा है ये अनुचित काम है, ये करना नहीं चाहिए, इसको खिलाफ में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी सटीक पदक्षेप होना चाहिए ये इसको लेना चाहिए।